एवरीवन एंड वेलकम टू डिफेंस इनसाइट। आज हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के बायलेटरल रिलेशंस के बारे में, जिसमें हम कवर करेंगे हमारे डिस्प्यूट्स, रीजंस ऑफ डिस्प्यूट्स, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीटीज और पीपल टू पीपल कनेक्ट को। एज वी ऑल नो दैट पाकिस्तान हमारा नेबर है, जिसकी सीमा हमारे राजस्थान, गुजरात, पंजाब और जम्मू कश्मीर से होकर गुजरती है। इंडिया हमेशा से ही अपनी नेबर फर्स्ट पॉलिसी की तरफ कंसिस्टेंट रहा है, जहाँ पे हम अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ टेरर फ्री और वायलेंस फ्री एनवायरनमेंट में नॉर्मल रिलेशंस चाहते हैं। भारत सरकार हमेशा से ही ये कहती है कि वो शिमला एग्रीमेंट और लाहौर डिक्लेरेशन के हिसाब से पाकिस्तान के साथ किसी भी विषय पर बात करने के लिए तैयार है। अटेम्प्ट्स फॉर एंगेजमेंट। भारत ने अपनी तरफ से कई बार रिश्तों को नॉर्मल करने की कोशिश करी है। अगर प्रेजेंट गवर्नमेंट के एफर्ट्स की हम बात करें तो साल 2014 में पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी की स्वेरिंग इन सेरेमनी में इनवाइट किया गया। उसके बाद दोनों की इनफॉर्मल मुलाकात रशिया के उफा में हुई। हमारी पूर्व एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने साल 2015 में इस्लामाबाद का दौरा किया था। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मिस्टर इमरान खान को उनके असेंबली इलेक्शंस जीतने के बाद बधाई भी दी थी। लेकिन इन सारे अटेम्प्ट्स के बदले पाकिस्तान की तरफ से हमेशा से ही क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और टेरर अटैक्स के थ्रू जवाब दिया गया। ट्रेड एंड कॉमर्स। साल 2018-19 के डेटा के अकॉर्डिंग दोनों देशों का ट्रेड बैलेंस 1.57 बिलियन US डॉलर्स था, जिसमें से इंडिया का पाकिस्तान को एक्सपोर्ट 2.06 बिलियन US डॉलर्स और पाकिस्तान से लिया गया इम्पोर्ट 0.495 बिलियन US डॉलर्स था। भारत ने साल 1996 में पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दिया था। मोस्ट फेवर्ड नेशन से पाकिस्तान को ये बेनिफिट था कि हमारे मार्केट में उनके प्रोडक्ट्स को बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के एक्सेस मिलता था। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से मोस्ट फेवर्ड नेशन के स्टेटस को दोनों कंट्रीज़ आपस में रेसिप्रोकेट करती हैं, लेकिन पाकिस्तान ने इस जेस्चर को कभी भी रेसिप्रोकेट नहीं किया। साल 2012 में भारत ने साफ्टा यानी साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, जो कि एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है सार्क कंट्रीज़ के बीच, उसमें 30% का रिडक्शन किया, जिससे पाकिस्तान के 264 आइटम्स पर टैरिफ को रिड्यूस कर दिया गया था। हालांकि पाकिस्तान ने हमेशा से ही भारत की तरफ रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड पॉलिसी को फॉलो किया है। हालांकि पुलवामा टेरर अटैक के बाद भारत ने 15 फरवरी 2019 को पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया। साथ ही कस्टम ड्यूटी को भी 200% तक बढ़ा दिया गया। पाकिस्तान ने यूनिलेटरली 7 अगस्त 2019 को भारत से अपने बायलेटरल ट्रेड को सस्पेंड कर दिया। पीपल टू पीपल रिलेशंस। साल 2017 में भारत ने जॉइंट कमीशन के मैकेनिज्म को रिवाइव करने का सजेशन दिया। ये कमीशन फिशरमैन और प्रिजनर्स, जो कि एक दूसरे के देशों में बंदी हैं, उनके ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज़ को एड्रेस करती है। पाकिस्तान ने पहले तो इसके ऊपर सहमति जताई, लेकिन साल 2018 में जब भारत ने कमेटी का गठन किया और प्रपोज़ किया कि एक मेडिकल एक्सपर्ट्स की टीम प्रिजनर्स से मिलने जाना चाहती है और मेंटली चैलेंज लोगों को मॉनिटर करना चाहती है, तब पाकिस्तान ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। साल 1974 में दोनों देशों ने एक बायलेटरल प्रोटोकॉल पर साइन किया, जिससे दोनों देशों के लोग एक दूसरे के देश में स्थित रिलीजियस श्राइन्स को विज़िट कर सकते हैं। पाकिस्तान में अब तक ये 16 और भारत में 5 ऐसे श्राइन्स हैं जहां एक दूसरे के देशों के लोग विज़िट करते हैं। 20 नवंबर 2018 को बाबा डेरा नानक पे करतारपुर कॉरिडोर का फाउंडेशन स्टोन हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट श्री एम वेंकैया नायडू जी और पंजाब के चीफ मिनिस्टर श्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने रखा। इसके बाद यूनियन मिनिस्टर श्रीमती हरसिमरत कौर बादल जी और श्री हरदीप सिंह पुरी जी ने पाकिस्तान की तरफ के कॉरिडोर के ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में भारत का प्रतिनिधित्व किया। यह कॉरिडोर 26 नवंबर 2019, जिस दिन गुरु नानक देव जी की 550वीं एनिवर्सरी थी, उसको ओपन कर दिया गया। नाउ डिस्प्यूट्स अमंग बोथ कंट्रीज एंड देयर रीजंस। भारत और पाकिस्तान के बीच जो डिस्प्यूट्स हैं, उनकी तीन मेन रीजंस हैं। पहला कश्मीर इशू, दूसरा वाटर डिस्प्यूट्स एंड तीसरा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। सबसे पहले बात करते हैं कश्मीर इशू की। साल 1947 में आज़ादी के साथ ब्रिटिश इंडिया का दो भागों में विभाजन हो गया, डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान। जितने भी प्रिंसली स्टेट भारत के साथ आना चाहते थे, वो भारत के साथ चले गए।
और जितने भी स्टेट पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे वो पाकिस्तान के साथ चले गए। कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट था जिसे कि महाराजा हरि सिंह जी रूल किया करते थे। महाराजा हरि सिंह कश्मीर को एक इंडिपेंडेंट स्विट्ज़रलैंड जैसी कंट्री बनाना चाहते थे, लेकिन जिन्ना ने ये आर्ग्यूमेंट किया कि कश्मीर मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है इसीलिए इसे पाकिस्तान में होना चाहिए। इसी बीच राजा हरि सिंह जी ने पाकिस्तान के साथ एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पर सिग्नेचर किए, जो कि एक टेम्परेरी एग्रीमेंट था। भारत ऐसे किसी भी एग्रीमेंट के खिलाफ था। शेख अब्दुल्ला, जो कि फारूक अब्दुल्ला के फादर थे, वो हरि सिंह जी की ऑटोक्रेसी के खिलाफ थे। वो चाहते थे कि कश्मीर में डेमोक्रेसी रूल हो। राजा हरि सिंह जी के रूल और स्टेट पुलिस के अगेंस्ट कुछ रेबेलियंस ने जम्मू में वायलेंस स्टार्ट कर दिया। ये एंटी कम्युनल राइट्स थे, जो कि एंटी मुस्लिम राइट्स थे, जिसमें कई मुसलमानों को भारत छोड़कर पाकिस्तान जाना पड़ा था। पाकिस्तान ने इन एंटी मुस्लिम राइट्स को अपॉर्चुनिटी की तरह कैश करना चाहा और अपने पश्तून फाइटर्स, जो कि उनके नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के रहने वाले थे, उनको कश्मीर पर अटैक करने के लिए सपोर्ट किया। 22 अक्टूबर सन 1947 में इन ट्राइबल्स ने कश्मीर पर हमला किया और ये ट्राइबल्स बारामूला, जो कि श्रीनगर से मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ तक पहुँच गए थे। इन ट्राइबल्स ने कश्मीर में काफ़ी लूटपाट मचाई, काफ़ी लेडीज़ को रेप किया। राजा हरि सिंह का एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी फोर्सेस इन ट्राइबल्स को कंट्रोल नहीं कर पाए और उन्होंने फिर भारत से हेल्प मांगी। भारत ने बोला कि हाँ चलिए ठीक है, आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भारत के साथ साइन कर दीजिए, हम अपनी सेना आपकी हेल्प के लिए भेज देंगे। इसके बाद 26 अक्टूबर साल 1947 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन किए गए। पाकिस्तान हालांकि इस बात से खुश नहीं था। उसने कहा कि भाई ये तो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है, आप इसको कैसे साइन कर सकते हैं। इसके बाद भारतीय सेना को कश्मीर में एयरलिफ्ट किया गया और भारत और पाकिस्तान के बीच आज़ादी के बाद पहला युद्ध हुआ। भारतीय सेना ने अपने पराक्रम से ये युद्ध जीता और पाक रिबल्स को पीछे ढकेल दिया। इसके बाद जनवरी साल 1948 को भारत यूनाइटेड नेशन कश्मीर मैटर को सॉल्व करने के लिए गया, जिसके बाद यूनाइटेड नेशंस ने एक कमीशन का गठन किया जिसका नाम था यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान, दैट इज़ UNCIP, और एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया। रेजोल्यूशन को एक बार समझ लेते हैं। इस रेजोल्यूशन के मेनली तीन पॉइंट्स हैं। इसमें पहले पॉइंट में पाकिस्तान को अपने नेशनल और इरेगुलर्स यानी कि अपनी आर्मी और अपने सिटीजन्स को वहाँ से विड्रॉ करना होगा। दूसरे स्टेप में इंडिया को ये कहा गया कि आप अपनी फोर्सेस को विड्रॉ करिए और वहाँ पे उतनी ही फोर्स रखिए जितनी नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होती है। तीसरे स्टेप में सब कुछ नॉर्मल होने के बाद एक प्लेबिसाइड यानी कि जनमत संग्रह को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। आज़ादी के बाद भारत और पाकिस्तान में चार युद्ध हुए हैं और मोस्टली कश्मीर इशू को लेकर हुए हैं। हमने पाकिस्तान के साथ दो लिमिटेड वॉर और दो फुल फ्लेश्ड वॉर लड़ी हैं और चारों में ही भारत की सेना विजयी हुई है। हालांकि पाकिस्तान ने पता नहीं क्यों इस प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग है कि 1965 की वॉर में उन्हें विजय प्राप्त हुई है। उस दिन उनके यहाँ विक्ट्री डे भी मनाया जाता है। 1965 में पाकिस्तान ने ट्रांस काराकोरम ट्रैक, जो कि शक्सकाम वैली में है, उसे चाइना को गिफ्ट कर दिया था। ये जो मैप में रेड पोर्शन से आप देख रहे हो, ये एरिया चाइना को दे दिया था। इस बात के लिए इंडिया ने ऑब्जेक्शन उठाया कि ये पूरा कश्मीर, जम्मू कश्मीर एरिया हमारा है, तो आपने ये किसी और को कैसे दे दिया। अब बात कर लेते हैं सेकेंड डिस्प्यूट, जो कि वाटर डिस्प्यूट है, और साथ में इंडस वाटर ट्रीटी की। भारत पाक के विभाजन के बाद पाकिस्तान को कहीं ना कहीं ये फियर था कि अगर कभी वॉर हुई या कोई क्राइसिस हुआ तो हम उसके हिस्से का पानी, जो कि इंडस वैली सिस्टम का पानी है, उसे रोक देंगे। इंडस वैली सिस्टम में टोटल 6 नदियाँ शामिल हैं। खुद इंडस नदी, जो कि तिब्बत से आती है, सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम। 19 सितंबर साल 1960 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आयूब खान ने इंडस वाटर ट्रीटी, जिसमें वर्ल्ड बैंक ने एक ब्रोकर की भूमिका निभाई थी, उसे साइन किया। इस ट्रीटी के अनुसार भारत को ईस्टर्न रिवर सिस्टम का पानी मिलेगा, यानी कि सतलुज, ब्यास और रावी नदी का, जो कि अकाउंट करता है 20% ऑफ टोटल वाटर, और पाकिस्तान को वेस्टर्न रिवर सिस्टम का पानी मिलेगा जिसमें चिनाब, झेलम और खुद सिंधु नदी आती है, जो कि अकाउंट करता है 80% ऑफ वाटर। हालांकि भारत वेस्टर्न रिवर सिस्टम के पानी को कंजम्पशन पर्पस के लिए यूज़ कर सकता है, लेकिन हमारे लिए रिस्ट्रिक्शन है कि हम उसके ऊपर डैम नहीं बना सकते और हम उसको स्टोर नहीं कर सकते। इस ट्रीटी के आर्टिकल 8 के हिसाब से
परमानेंट इंडस कमीशन का निर्माण किया गया, जिसके कमिश्नर दोनों ही कंट्रीज से हैं। ये कमीशन हर 5 साल में जनरल इंस्पेक्शन करेगा अंडरगोइंग जो प्रोजेक्ट चल रहे होंगे उनका। इस ट्रीटी के हिसाब से आप डैम कंस्ट्रक्शन, फंडिंग, कैनाल्स, बैराजेस और ट्यूबवेल्स का भी निर्माण कर सकते हो। अगर किसी प्रोजेक्ट के लिए डिस्प्यूट है तो उसके रिजोल्यूशन के लिए भी इसमें अलग से मैकेनिज्म दिया है। ये 3-लेयर मैकेनिज्म है। सबसे पहला तो जो लेवल ऑफ कमीशन है, जो कमिश्नर्स हैं वो आके देखेंगे, अगर वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो वो अपने क्वेश्चंस रेज करेंगे एक न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास। अगर न्यूट्रल एक्सपर्ट भी उसे सॉल्व नहीं कर पाता है तो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में आप जा सकते हैं। साल 1960 से ही कई प्रोजेक्ट्स के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं। 2010 में पाकिस्तान ने किशन गंगा प्रोजेक्ट के ऊपर ऑब्जेक्शन किया था और 1984 में तुलबुल बैराज के ऊपर, और फिर हमने यूनिलैटरली तुलबुल बैराज को विड्रॉ कर लिया। पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म दोनों ही देशों के बायलेटरल रिलेशंस के लिए बहुत ही कोर कंसर्न रहा है। भारत हमेशा से ही इस बात पे जोर देता रहा है कि पाकिस्तान को क्रेडिबल, इरिवर्सिबल और वेरीफाइबल एक्शंस लेने चाहिए टू एंड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म अगेंस्ट इंडिया। भारत अपनी नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए टेररिज्म के अगेंस्ट फर्म्स और डिसाइसिव एक्शंस लेता रहेगा। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीटीज़ की, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं नेहरू लियाकत पैक्ट और डेली पैक्ट की। भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद पाक माइनॉरिटीज़ का भारत में फोर्सफुल कन्वर्जन्स की वजह से आना एक समस्या बन गया था। इस इश्यू को एड्रेस करने के लिए साल 1950 में डेली पैक्ट, जो कि भारत पाकिस्तान के बीच में एक बायलेटरल ट्रीटी थी जिसके अनुसार माइनॉरिटी राइट्स को प्रिजर्व किया जाएगा, फोर्सफुल कन्वर्जन्स को अनरिकॉग्नाइज किया जाएगा और एबडक्टेड और लूटेड प्रॉपर्टी को वापस किया जाएगा। अब बात करते हैं शिमला एग्रीमेंट की। आपने हमेशा भारत सरकार को कहते सुना होगा या टीवी डिबेट्स में भी देखा होगा कि भारत पाकिस्तान के बीच में अगर बात होगी तो शिमला एग्रीमेंट या लाहौर डिक्लेरेशन के अनुसार बात होगी। ये अग्रीमेंट भारत पाकिस्तान 1971 की वॉर के बाद साइन हुआ था, यानी कि 2 जुलाई 1972 को इंडियन प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी और पाक प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो ने साइन किया। इस अग्रीमेंट के हिसाब से बांग्लादेश को एक अलग देश पाकिस्तान रिकॉग्नाइज करेगा। इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक दूसरे के युद्ध बंदियों को, यानी कि वॉर प्रिजनर्स को रिलीज़ करेंगे। दोनों देश यानी कि भारत और पाकिस्तान अपने मतभेद बायलेटरल टॉक के थ्रू सॉल्व करेंगे, यानी कि इसमें किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, ना ही यूनाइटेड नेशंस का, ना ही और किसी कंट्री का इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं होगा। 1971 की सीज फायर लाइन को LOC यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल में कन्वर्ट कर दिया गया या एक्सेप्ट कर लिया गया। लाहौर डिक्लेरेशन। साल 1974 में भारत ने स्माइलिंग बुद्धा नाम से अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था। साल 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उस समय ऑपरेशन शक्ति के नाम से हमने दूसरा न्यूक टेस्ट किया था। फिर उसके इमीडिएटली बाद पाकिस्तान ने साल 1998 में छगई नाम का एक न्यूक्लियर टेस्ट किया। पाकिस्तान और भारत के रिलेशन कभी इतने अच्छे रहे नहीं थे कि पूरी वर्ल्ड को ये कॉन्फिडेंस हो जाए कि दोनों ही अपने न्यूक टेस्ट को संभाल के रखेंगे या इसको यूज़ नहीं करेंगे एक दूसरे के खिलाफ। समस्या के समाधान के लिए भारत ने पाकिस्तान के साथ मिलकर लाहौर डिक्लेरेशन पे साइन किए। लाहौर डिक्लेरेशन भारत व पाकिस्तान के बीच एक द्विपक्षीय समझौता है जो कि 21 फरवरी साल 1999 में पाकिस्तान के लाहौर में साइन किया गया था, और फिर बाद में दोनों देशों की पार्लियामेंट ने इसको रेटिफाई यानी कि फॉर्मल कंसेंट से एक्सेप्ट कर लिया। दोनों देशों ने ये माना कि न्यूक्लियर वेपन्स के डेवलपमेंट के साथ दोनों के ऊपर एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने की और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को प्रमोट करने की, स्पेशली कोई एक्सीडेंटल या अनऑथराइज यूज़ ना हो किसी भी तरह के न्यूक्लियर वेपन का। दोनों ही देशों ने ये रियलाइज़ किया कि अगर दोनों ही देश बैलिस्टिक मिसाइल फ्लाइट टेस्ट करते हैं या फिर कोई भी एक्सीडेंटल या अनएक्सप्लेन्ड यूज़ होता है न्यूक्लियर वेपन्स का, तो दोनों एक दूसरे को पहले ही बता देंगे टू अवॉइड न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट। इस डिक्लेरेशन के थ्रू दोनों ही देशों ने ये कमिट किया कि वह यूनाइटेड नेशंस के चार्टर और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस को फॉलो करेंगे। इस डिक्लेरेशन के थ्रू दोनों ही कंट्रीज़ ने यह भी कमिट किया कि वो ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो करेंगे यूनिवर्सल न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट और नॉन प्रोलिफरेशन की। यूनिवर्सल न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट के है कि अबॉर्ट करना अपने न्यूक्लियर वेपन्स को, और नॉन प्रोलिफरेशन इस कि एक दूसरे की होड़ में ना लग जाना कि हमारे पास 10 हैं तो हम 20 बना लें या उनके पास 20 हैं तो हम 40 बना लें, इस तरह की कोई होड़ नहीं होगी दोनों में। कॉन्क्लूज़न।
दोनों ही देश न्यूक्लियर आर्म्स से लैस हैं, इसीलिए दोनों ही बायलेटरल टॉक्स के थ्रू अपने डिस्प्यूट्स को सुलझा सकते हैं, सिमला एग्रीमेंट और लाहौर डिक्लेरेशन को फॉलो करते हुए। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लिए जाएं थ्रू पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। पाकिस्तान को टेररिज्म को प्रमोट करना बंद करना होगा। भारत के अंदर जो इलीगल एक्टिविटीज़ को वो प्रमोट करता है, टेररिज्म को वो प्रमोट करता है, उसे बंद करना होगा और प्रॉपर एक्शन लेना होगा यूनाइटेड नेशन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट और बाकी टेररिस्ट जो उसकी टेरिटरी के अंदर रह रहे हैं, जो उसे पाल रहा है। पाकिस्तान को अपनी सॉइल का भारत के खिलाफ यूज़ ना करें टेरर एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए। थैंक यू।